ये रेडमी नोट 11S है, तो डेड कंडीशन में आया था मेरे पास। तो उसके बाद में मतलब इसका सिस्टमेटिक था, खाली सिस्टमेटिक था। उसके बाद में ना हार्डवेयर सोल्यूशन था ना, मतलब हार्डवेयर सोल्यूशन मतलब बोर्डियों का कुछ नहीं था, खाली सिस्टमेटिक ही था। उसके बाद में इसमें दिखाओ जाएगा, इसमें बीपीएच वगैरह मैंने चेक किया, बीपीएच वोल्टेज वगैरह नहीं बता रहा था, शॉर्ट बता रहा था। बाकी पावर उठाया अपना, चार्जिंग भी चार्जिंग आईसी उठाया तो मतलब फिर भी ये शॉर्टिंग नहीं जा रहा था। वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज भी नहीं आ रहा था बराबर। बाकी बी बस वाला आ रहा था, बाकी वो नहीं आ रहा था, बीपीएच वाला वोल्टेज नहीं आ रहा था। बाद में मैं इधर देखा तो इधर भी ये पूरा शॉर्ट था। तो मैंने पावर उठाया, पावर भी उठा के देखा, नहीं ये शॉर्टिंग फिर भी नहीं गया। फिर ये सब उठा के देखा तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग था, फिर भी नहीं जा रहा था। उसके बाद में मैंने 2G IC उठाया, यहाँ पे देखा तो शॉर्टिंग बता रहा था करके मैंने 2G IC उठाया, 2G IC उठाया तो शॉर्टिंग चला गया। शॉर्टिंग गया तो फिर एक एक करके रिबोल करके लगा दिया, मैंने रिबोल करके लगा दिया, फिर पावर IC भी रिबोल करके लगा दिया। फोन फाइनली हमारा चालू हो गया है, अभी हम दिखाएंगे चालू करके चेक कर। अभी हमने 2G IC नहीं लगाया है, 2G IC ढूंढ रहे हैं, या तो ये एक बार रिबोल करके लगाते हैं, अगर नहीं चला तो भी चेंज करेंगे इसको। थैंक यू सर, थैंक यू।